मंगलम भगवान भीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र गुरु जयवंत प्रकाशन। पूज्य गुरुदेव श्री का वृतांत चल रहा है, उसमें छोटी छोटी दो तीन जानकारियां और हैं, कल के प्रसंग में वो आपको दे देते हैं। 28 नवंबर 1980 शुक्रवार के दिन 90 वर्ष 7 माह और 5 दिन की आयु गुरुदेव श्री की रही, और इस तरह से गुरुदेव श्री का कार्तिक कृष्णा सातम 2037 संवत के दिन गुरुदेव श्री का अंतिम दिन था। 3 दिन पहले से ही लगभग बाबू भाई जी फतेहपुर से 1.5 दिन की यात्रा पूरी करके यहाँ आए, और यहाँ बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको ऐसे पुण्य का उदय नहीं आया कि गुरुदेव श्री का दर्शन मिल सकता। परंतु कितनी भक्ति रही होगी बाबू भाई जी को कि 3 दिन तक एक बूंद पानी भी मुख में नहीं गया उनका। इतना दुख कहो, नहीं दर्शन कर पाने की क्षोभ कहो, अंतर में पीड़ा रही, 3 दिन तक उनका उपवास रहा। इस तरह से ये जानकारी, और गुरुदेव श्री को कहा तो यही जाता था कि आप ठीक होने वाले हैं, और डॉक्टर की प्रिकॉशन है कि कोई मिलने नहीं आ सकता, और बात सही भी थी क्योंकि गुरुदेव श्री को बिल्कुल डार्क रूम में रखा जाता था, चारों तरफ कांच के ऊपर काले काले पर्दे लगाए जाते थे, केवल डिम लाइट रहती थी, क्योंकि अंतिम समय में जो सूरज की किरण शरीर पर पड़े या प्रकाश भी पड़े तो इतनी वेदना हो, तो उस वेदना से बचाने के लिए डार्क रूप में अंधेरे में गुरुदेव को रखा जाता था। तो गुरुदेव श्री को बार बार ऐसा लगता था ये तुम अंधेरा क्यों करते हो, माने अपनी भाषा में समझे तो खुली हवा में रहने वाला पंछी और अंधेरे में रहे तो कैसा लगे। तो गुरुदेव श्री को बार बार लगी तुम कहते तो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, लेकिन ये अंधेरा क्यों करते हो, ये बंद क्यों रखते हो, कोई मिलने क्यों नहीं आता है। लेकिन ये बातें कही नहीं जा सकती थी गुरुदेव श्री से कि ये डॉक्टर के प्रिकॉशन है कि आपको ज्यादा वेदना ना हो, आपको बेचैनी ना हो, लेकिन उस समय के हालात अपन समझ सकते हैं कि कैसा लगे कि अब हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से अंधेरे में रहना पड़ रहा हो, कोई पढ़ना हो नहीं पा रहा है, चर्चा वार्ता नहीं हो पावे, तो ऐसा वो समय था जिसकी ये जानकारी आपको दी है। इसके बाद छोटी छोटी जानकारी और है। संबत 2040 1984 में जो बोर्डिंग गुरुदेव श्री के हाथों से उद्घाटित हुआ था वो बंद कर दिया गया, और इस बात का वैंश्री को, चंपा वैंश्री को बहुत दुख रहा। उनका एक ही कहना था कि गुरुदेव श्री के हाथों से जितनी भी संस्थाएं उद्घाटित हुई हैं उन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये संस्था बंद हुई। एक ओर से हम कहें तो जब सूरज डूब जाता है तो अपनी किरणें लेकर चला जाता है, ऐसा ही मानो थोड़े समय के लिए ऐसा हो गया। संबत 2141 1985 में फागुन सुदी सातम बुधवार 27 फरवरी 1985 को नंदीश्वर जिनाले की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई, जिसके ब्रह्मचारी चंदू भाई प्रतिष्ठाचार्य थे, और इसमें 24 सूर्य कीर्ति तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा की गई थी। घातकी खंड भरत क्षेत्र के भूत भाभी तीर्थंकर 3 प्रतिमा विराजमान की गई। नीचे गुरुदेव श्री के वचनामृत लिखे गए हैं, और इसके ऊपर वाले भाग में बहन श्री के वचनामृत लिखे गए हैं। जिस समय नंदीश्वर दीप मंदिर की खाद मुहूर्त हो रहा था तो फूलचंद जी भी जब आए थे तो उन्होंने गुरुदेव श्री को ये बात कहा कि बहन श्री के वचनामृत लिखाना आगमोक्त नहीं है, आचार्य कुंद कुंद का लिखाना तो चलता है, लेकिन किसी अवृति श्रावक के ग्रंथ या किसी प्रकार का लेखांड मंदिर बनाना ये कोई आगमोक्त नहीं है। तो गुरुदेव श्री चौंक गए, ये कैसे फिर आगम विरुद्ध काम हो रहा है, ऐसा उनको बहुत लगा। तो उन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपको हमने पूछा था तो क्यों नहीं बताया। तो बोले मैंने तो आपको चिट्ठी लिखी है,
तो बापू जी को बुलाया, ये वो क्या कोई चिट्ठी हमको क्यों नहीं दिखाई गई, ये जो चिट्ठी आई थी ये नंदीश्वर जी मंदिर में बचनामृत भगवान बनाना आगम विरुद्ध है, तो ये चिट्ठी हमको क्यों नहीं बताई गई। तब घूम फिर करके बात आई, और जिन्होंने वो पत्र रोक लिए थे, सेंसर किए थे, उन्होंने आखिरकार इसके लिए क्षमा मांगी कि साहब ये मेरी गलती है, ये पत्र मैंने रोक लिए थे, और अब तो चूंकि सब हो ही चुका है इसलिए अब तो जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। इस तरह मजबूरी में ये बचनामृत भवन बनाया गया है ना। 2043 संवत में 1987 में कन्नड़ एवं तमिल आत्मधर्म की 100-100 प्रतियां छपना प्रारंभ हुई। इस तरह ये जानकारियां थी, इसको अपन ने संक्षिप्त में पूरा किया है। अभी बहुत सारे प्रसंग हैं जिनकी चर्चा आज अपन प्रारंभ करते हैं। खास तौर से मैं जो सुबह के प्रकरण में बात रह गई थी उसको पूरा करना है। थोड़ा सा मैं ले रहा था प्रकरण कि आखिरकार भ्रांतियां कौन कौन सी थीं, कौन कौन से प्रश्न थे और उनके उत्तर क्या होने चाहिए या हैं। एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता था कि गुरुदेव श्री जब इतने आचार्यों के भक्त हैं, मुनिराजों के भक्त हैं और इतनी विशुद्ध परिणति है और सम्यक दृष्टि है, तो इन्होंने मुनि दीक्षा क्यों नहीं ली। ये प्रश्न बताने से रह गया था। ये प्रश्न बहुत आता है कि मुनि दीक्षा क्यों नहीं ली, और जनरली मोक्ष लोग उनकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब दे नहीं पाते हैं कि मुनि दीक्षा क्यों नहीं ली। गुरुदेव श्री को भी ये बात पूछी गई कि आप मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले लेते हो। मैं इसको आपको कुछ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। इस समय चैतन्य चमत्कार नाम की एक पुस्तक निकली है, उसमें डॉक्टर साहब ने गुरुदेव श्री से इंटरव्यू लिया है। आप उस इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो ये बात आप समझ जाएंगे। मैं उसकी कुछ आपको सुनाता हूं, पढ़ना आप लोग जरा। स्वाध्याय करने की प्रेरणा कर रहे हैं वो बिना ही पढ़ना। क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने पूछा कि लोग कहते हैं आपकी कथनी और करनी में अंतर है, तो गुरुदेव श्री बोले कि हाँ है। समझ में आया कुछ, समझ में आया, कथनी और करनी में अंतर है, होना चाहिए हसमुख भाई, कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। तो गुरुदेव को पूछा कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है, तो गुरुदेव श्री बोले हाँ है। सही बात बताऊं तो मैं भी पढ़कर चौंक गया। तो फिर पूछा कि फिर आप कथनी और करनी एक क्यों नहीं करना चाहते, बोले करना चाहता हूं मैं, तो कथनी और करनी एक करना चाहता हूं। तो फिर आप करते क्यों नहीं हो, अब पढ़ना ये सारे प्रश्न होता है, तो फिर आप करते क्यों नहीं हो। तो गुरुदेव श्री बोले कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता हूं, कथनी तो मैं 14 गुण स्थान की करता हूं, कथनी तो मैं सिद्ध दशा तक की करता हूं, लेकिन अभी तो ऐसी करनी करने में मैं असमर्थ हूं। अरे मेरी भी ये भावना है, कब दिगंबर दशा आवे ने मुनि दशा आवे, न हम भगवान बने ने मोक्ष में जावे, ये बात तो होवे लेकिन हम करें क्या, कथनी और करनी अभी एक कर सकते नहीं। ये उनका उत्तर था। अभी क्यों नहीं मुनि दीक्षा ले लेते हो फिर आप, कि भाई क्या करें, दिगंबर मुनि दशा में चश्मा नहीं लगाया जाता और मेरे अभी चश्मा लगाने की मजबूरी है, अभी हमारे नकली दांत हैं, कुछ दांत नकली है, तो हम मुनि दीक्षा में नकली कैसे रख सकें हैं, और मेरे शरीर में अभी ऐसी विकृति हो गई है, बीमारी हो गई है कि यदि ऐसे ऐसे में दीक्षा लेऊं तो असाधना होवे, मुनि दशा की बदनामी होवे। अरे रे ऐसा भाव तो प्रत्येक श्रावक को आने जैसा है कि मुनि दीक्षा क्या रे थाए, हैं क्या रे थई सु वायंतर निर्ग्रंथ जो अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे। ये तो साधक को प्रतिदिन का स्वप्न है, करें क्या आप बताओ क्या करें। अब मैं इससे आगे थोड़ा जवाब देता हूं, ये तो अभी उनका जवाब है ना, हम ये जवाब देते हैं मुनि दशा नहीं आना ये अपराध नहीं है, लेकिन जिस पद में हो उस पद की गरिमा नहीं निभाना ये अपराध है। ऊंचा पद ले लेना सरल है लेकिन ऊंचे पद की गरिमा नहीं निभाई तो महापाप है।
टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है सातवें अधिकार में, छोटा नाम रखा कर ऊंचा काम करने में शोभा है, करो कोई बाधा नहीं है, लेकिन बड़ा नाम रखा है ने छोटा काम करे, पद विरुद्ध काम करे तो महापाप, वे महा अन्याय करते हैं। जिन शासन में प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो अपराध नहीं है, बंद नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ने का, त्यागने का, प्रतिज्ञा लेकर उसको शिथिल करने का महापाप है। ये पढ़ो प्रकरण, गुरुदेव श्री को टोडरमल जी को पढ़ा था, गुरुदेव श्री ने जिनागम पढ़ा था, उन्हें खबर थी कि मुनि दशा में 28 मूलगुण क्या होते हैं, और उनके शरीर की ऐसी दशा नहीं थी कि वे 28 मूलगुण पाल सकें, तो मुनि दीक्षा कैसे ले सकते थे। कोई खींचतान का मार्ग थोड़ी, खींचतान की जबरदस्ती ले लो नाम रखाने के लिए, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि सोनगढ़ी लोग मुनि नहीं बनते, लेकिन हम तो कह रहे दो तीन चार पांच ऐसे हैं जिन्हें सोनगढ़ी मुनि कहा जाता है और आहार देने तैयार नहीं है। तो ये इसमें क्या बात थी, यदि गुरुदेव श्री दीक्षा ले भी लेते तो कौन सा जगत मान्य हो जाते, हो जाते। मान चलो गुरुदेव श्री दिखाने के लिए मुनि दीक्षा ले भी लेते तो क्या जगत मान्य हो जाते। आज जो समय सार जी पढ़ रहे हैं उन्हें भी आहार देने की जरूरत नहीं महसूस हो रही, उन्हें भले ही वो जंगल में रहें, एकांत में रहें, आत्म आराधन करें, समाज के प्रपंच में नहीं पढ़ें, कोई हौसशाला नहीं खुलवावें, कोई धर्मशाला नहीं बनवावें, कोई मंदिर नहीं बनवावें, मात्र समय सार जी का अध्ययन करें और कराएं, तो फिर उन्हें तो सोनगढ़ी कह करके आहार ही नहीं देता कोई। ऐसा होता क्यों है फिर? इसका मतलब यह है सीधा सीधा, मात्र निंदा करने के लिए निंदा है कि ये दीक्षा नहीं लेना चाहते, कि मुनि नहीं बनना चाहते, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का तो प्रतिदिन का स्वप्न ही ये था। और इसीलिए अपन ने कई स्वप्नों की चर्चा की है जिसमें हमने ये देखा है कि गुरुदेव श्री के स्वप्न मधुर थे, जिसमें दिगंबर मुनिराज का टोला आता था, समाव शरण दिखते थे, आचार कुन कुन दिखाई देते थे, है ना। ऐसे कुछ प्रकरण अपने समझ लो रह गए थे ना, स्वप्न के भी कुछ रह गए हैं, मैं उनको भी पूरा कर देना चाहता हूं थोड़े से प्रकरण। एक स्वप्न में गुरुदेव श्री ने देखा था ओम सहज स्वरूप परम सद्गुरुवे नमः, ऐसा सुना। एक स्वप्न ऐसा आया आसो सुदी पांचम, रात्रि में श्रीमद जी मेरे पास बैठे हुए हैं, श्रीमद जी मेरे पास बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। एक दिन ऐसा स्वप्न आया आसो सुदी नवमी मंगलवार की रात, चूंकि इनमें संबत नहीं है इसलिए मैंने इनको एक्स्ट्रा लिखा है, जिनमें संबत थे उनको संबत के हिसाब से सुना दिया आपको। मंगलवार की रात 1:30 बजे अमृत चौगड़िया में श्रीमद जी मेरे पास आए और तीन चमची पानी मेरे मुख में डाली और मैं तीनों को एक करके, एक एक घूट नहीं, 1-2-3 चम्मच पानी मुंह में डाला और फिर तीनों को इकट्ठा करके मैं पी गया। ऐसा स्वप्न गुरुदेव सिंह ने देखा, तुरंत नींद खुल गई, अद्भुतता लगी, अरे ऐसा क्या हुआ, समझ तो गए होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता करके उन्होंने जीवन में अंगीकार कर लिया। ऐसे स्वप्न गुरुदेव को आते थे, है ना। ऐसे और भी एक दिन गुरुदेव श्री ने स्वप्न में देखा कि एक देव आया हीरा लेकर, हीरा, और गुरुदेव श्री के हाथ में दे दिया। अब क्या करें इस हीरा का, तो गुरुदेव ने देव को बोला कि भाई हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें हीरे का क्या काम है, हमें क्यों देते हो। तो देव बोला आपको जिसे देना है उसे दे देना। तो इतने में कलकत्ता वाले गांगुली, प्रकाश गांगुली ने, डॉक्टर गांगुली, वो कलकत्ता वाले आए स्वप्न में, तो डॉक्टर गुरुदेव ने वो हीरा उसको दे दिया। अभी दूसरे दिन सुबह जब ये स्वप्न देखा, उसी दिन सुबह प्रकाश गांगुली कलकत्ता से आए, गुरुदेव का चेकअप करने के लिए, देखने के लिए आते थे। तो आए तो गुरुदेव ने वो प्रवचन में सुनाई वो बात। तो गांगुली अजैन थे, अजैन ब्रह्मचारी, शादी नहीं करी उसने, और गुरुदेव श्री के प्रवचन का रसिया, गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने आवे तो हाथ जोड़ के बोला कि साहेब मुझे जड़ हीरा क्यों देते हो, मेरे तो चेतन हीरा दो ना, मुक्ति हीरा दो ना। ऐसे आपने मुझे स्वप्न में भी जड़ हीरा क्यों दिया, आपने मुझे चेतन हीरा दो ना। ऐसे एक स्वप्न गुरुदेव का ऐसा था, है ना। तो इस तरह से ये कुछ बातें जो रह गई थी वो हमने आपको अभी पूरी कर दी।
कुछ एक प्रसंग बहुत सुंदर गुरुदेव के संबंध में है, वे सुनने जैसे हैं। खास तौर से जगन मोहन लाल जी कटनी, इन्होंने गुरुदेव श्री के बारे में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बहुत सुंदर सुनने जैसा है। पूरा पढ़ के सुना देता हूं, अभी जब छोटे छोटे प्रसंग पूरे करने हैं अपने को, है ना, टाइम थोड़ा है ना, उसमें अपने पूरा कर लेते हैं। पंडित जगन मोहन लाल जी कटनी, आप इनका शब्द सुनना कितने जोरदार हैं। ये वे हैं जिन्होंने विद्यासागर जी से समाधि ली है, और उन्होंने गुरुदेव के बारे में क्या लिखा है वो सुनने जैसा है, है ना। हमारी पत्रिकाओं में नहीं, जैन संदेश में है ना, ऐसे उसमें, फिर अपने यहां भी छपा, आगम पथ पत्रिका में भी छपा है। स्वामी जी प्रभावक हैं, देदीप्यमान हैं, इनकी वाणी ओजपूर्ण है, चारित्र उज्जवल है, इन सब बातों का भी जनता पर प्रभाव अंकित होता है। मैंने मुख्य मुख्य अंश लिखे हैं उनके। स्वामी जी ने अपने जीवन में वह कार्य किया है, कौन सा कार्य किया है स्वामी जी ने, जो आज हजारों वर्षों से जैन साधकों अर्थात जैन साधुओं द्वारा संपन्न नहीं हो सका, वो काम किया है। ये उनके शब्द हैं, जैन साधकों द्वारा संपन्न नहीं हो सका। दिगंबर जैन समाज के कथित नेता, जो दिगंबर जैन समाज के कथित नेता जो उनका विरोध करने तथा उन्हें दिगंबर जैन न मानने की घोषणा करते हैं, वे तब उन्हें मान्यता देते कब थे, जब वे भाई दिगंबर जैनी नहीं बने थे। जो 40,000 स्थानकवासी कन्वर्ट हुए तब उनको वे मान्यता कब देते थे, जब वे कन्वर्ट नहीं हुए थे। अब कन्वर्ट हो गए तो अजैन कहने का तुम्हें राइट कैसे हुआ, है ना। तो जब दिगंबर जैनी नहीं बने थे, दिगंबर जैन बन जाने पर ठुकराते हैं, उनके शब्द हैं, मैं जो कहते पढ़ रहा हूं, ठुकराते हैं, तिरस्कार करते हैं, अब बात करते हैं, इससे बड़ी भूल कोई हो नहीं सकती है। कहा जाता है कि ये अपना नया पंथ बनाते हैं, सुबह इसकी चर्चा आई थी ना, कांजी पंथ, कहते हैं कि अपना नया पंथ बनाते हैं, पर यह बात सही नहीं है। जिस पंथ से ये आए हैं उस पंथ से ये स्वतः अलग हुए हैं, स्वतः अलग हो गए हैं, और जिस पंथ में आए हैं वे अपने में शामिल नहीं करना चाहते। ये विरोधियों के लिए लिखा उन्होंने। फलता यह नया पंथ बनेगा पर दिगंबर जैन समाज की भूल से। उस समय चेताया था उन्होंने हिंदुस्तान के दिगंबर जैनों को कि तुम जो तिरस्कार कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, ये तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, तुम्हारी भूल से एक नया पंथ खड़ा हो जाएगा। उनका नया पंथ बनाने के कारण है कौन, दिगंबर जैन समाज की भूल। वे नहीं, कांजी स्वामी इसके कारण नहीं है, वे अपने को कट्टर दिगंबर जैन घोषित करते हैं। कौन, गुरुदेव श्री, है ना। सौराष्ट्र में 20 दिगंबर जैन मंदिरों का निर्माण, उनकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं, समस्त दिगंबर जैन तीर्थों की सहस्त्रों व्यक्तियों के संघ सहित यात्रा, लाखों रुपए दिगंबर तीर्थ रक्षा में दान देना तथा उसकी पूर्ति का संकल्प करना, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का, ये सब उनकी कट्टर दिगंबरता के प्रमाण हैं। ये उन्होंने समझाने की चेष्टा की थी उस समय। स्वामी जी अत्यंत सरल, निष्कपट, सहज स्नेही, हसमुख, ओजस्वी व्यक्ति हैं, अध्यात्म के उच्चतम विद्वान हैं। कौन ने लिखा है, जिन्होंने विद्यासागर जी से समाधि ली। ओजस्वी विद्वान हैं, उच्चतम विद्वान है, अध्यात्म का जीवनचर्या पर प्रभाव लक्षित होता है। उनकी जीवनचर्या पर अध्यात्म का प्रभाव लक्षित होता है। प्रकारांतर से, ये लाइन बहुत बढ़िया लिखी है, अब सुनना ध्यान से, इसका अर्थ करने ताकत चाहिए थोड़ी सी। प्रकारांतर माने अन्य प्रकार से कहें तो उनका कार्य, उनका जीवन एक व्यक्ति नहीं, एक मिशन का कार्य है। मिशन का कार्य नहीं समझ में आया, जैसे टोडरमल स्मारक चलाने के लिए एक मिशन खड़ा करना पड़ा, इतनी बड़ी संस्था खड़ी करनी पड़ी, इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ा, और इतने कर्मचारी और इतने लोग और इतने सब इकट्ठे करने पड़े, एक क्लब चलाने के लिए पूरा मिशन बनाना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव सिंह का जीवन एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक मिशन है। गुरुदेव सिंह के अब क्या कहें, बोलो, है ना। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने एक लेख लिखा था, उसमें यह बात आई थी,
कि हमने सहस्त्राब्दी द्विसहस्त्राब्दी कुंद कुंद द्विसहस्त्राब्दी वर्ष मनाया था और लगभग पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम किए थे और लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे उसमें, पूरे देश में जगह जगह जितने भी खर्च हुए होंगे, जगह जगह गोष्ठियां सेमिनार पत्रिकाएं और विशेषांक सब छापे, लेकिन हमने पूरे वर्ष का प्लान बना बना के योजना बना बना के जितना खर्च किया और जितना काम किया उससे एक भी अजैन को जैन नहीं बना पाए। एक साल का पूरा प्लान्ड फिक्सेशन किया हुआ प्रोग्राम, जगह जगह सेमिनार और आयोजन और सब हुए, लेकिन हम एक भी अजैन को जैन नहीं बना पाए। और एक गुरुदेव श्री ने अकेले, मैं अर्थ समझाने के लिए अर्थ खोला मैंने, कि एक गुरुदेव श्री का समर्पण, एक गुरुदेव श्री की पवित्रता ने हजारों नहीं 4 लाख लोगों को उस समय प्रभावित किया, और आज की तारीख तक देखें तो देश और विदेश में सब मिलाकर के कम से कम 8 लाख व्यक्ति अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। ये मिशन का काम, गुरुदेव का अकेले का जीवन, हम सब मिलकर के वो काम नहीं कर पाए, एक आदमी को नहीं बदल पाए, और एक गुरुदेव श्री की दृष्टि, एक गुरुदेव श्री की अर्पणता, जीवन समर्पण, उसने इतने लोगों को बदल डाला। इसलिए शब्द का अर्थ आप समझना कि उनका कार्य एक मिशन का कार्य है। मिशन नहीं उनके पास, गुरुदेव श्री का मिशन तो आत्मकल्याण था, संस्थाएं चलाना गुरुदेव के जीवन का लक्ष्य नहीं था, इसके बावजूद जो कुछ हुआ वो एक मिशन जैसा कार्य है। आगे लिखते हैं, उनके अनुयायी माने उनका अनुकरण करने वाले कन्वर्टेड दिगंबर जैन, अधिकांश व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करते, कंदमूल भक्षण नहीं करते, द्विदल नहीं खाते, व्रत रूप प्रतिज्ञाबद्ध न होते हुए भी, माने कोई प्रतिमाएं आदि नहीं ली है, व्रत नहीं लिए, फिर भी इन श्रावकी नियमों का पालन करते हैं, है ना? जबकि पुराने दिगंबरों में यह परंपरा टूटती जा रही है। मैंने इसमें एक शब्द भी अपना नहीं लिखा, बल्कि ज्यों का त्यों लिखा है, क्योंकि जब किसी का नाम लेके बोला जा रहा है तो ये बातें मिलाई जाएंगी, है ना? दिगंबरों में टूटती जा रही है। मेरी स्वयं की दृष्टि में यह निर्णय है कि स्वामी जी का तत्व ज्ञान यथार्थ है। मेरी स्वयं की, कौन की? जगन मोहन लाल जी कटनी। मेरी स्वयं की दृष्टि में यह निर्णय है कि स्वामी जी का तत्व ज्ञान यथार्थ है। अभी इसमें नाम तो मैंने बहुत लिखे हैं, 105 छुल्लक चिदानंद जी ने लिखा है, तत्वरसिक छुल्लक जिनेन्द्र बर्णी, 105 जिनेन्द्र बर्णी। उस जमाने जिनेन्द्र बर्णी का मतलब आप लोगों को इतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि जैसे कोई इंग्लिश या हिंदी की डिक्शनरी बनाने में कितनी मेहनत लग सकती है, डिक्शनरी, ऐसे जिनेन्द्र बर्णी ने पूरे जिनागम को पढ़ के 5 भागों में ऐसी डिक्शनरी बनाई है कि आपको कोई चीज पढ़नी हो तो कहीं अलग अलग ग्रंथों में जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह पढ़ सकते हो आप। ब्रह्मचर्य के बारे में पूरे जिनागम में क्या क्या लिखा है वो एक जगह पढ़ सकते हो आप। गुणस्थान के बारे में पूरे जिनागम में क्या लिखा है एक जगह पढ़ सकते हो आप। पुण्य के बारे में क्या लिखा है, पाप के बारे में, माने जो भी आप कोई शब्द लाओ और 5 ऐसे मोटे मोटे वॉल्यूम हैं, उनमें इतने इतने मोटे वॉल्यूम में पूरा जीवन लगा करके जिन्होंने लिखा और उनका भी लिखान। अत्यंत दुर्लभ तत्वी, तत्व कैसा था गुरुदेव ने दिया, जो अत्यंत दुर्लभ तत्व की प्राप्ति में भले ही निमित्त वीतराग भगवान हो, वीतराग गुरु या श्रावक ग्रस्त हो, सभी समान हैं। क्या क्या लिखा उन्होंने, भले ही देव हो कि शास्त्र हो कि गुरु हो और के अवृति श्रावक हों, यदि हमें दुर्लभ तत्व देते हैं तो वे समान उपकारी हैं, है ना? श्रावक ग्रस्त हो सभी समान हैं, यद्यपि वैराग्य व चारित्र की भूमिकाओं की अपेक्षा उनमें आकाश पाताल का अंतर है। अवृति श्रावक और अनंत भगवान में आकाश पाताल का अंतर है। काठियावाड़ स्थित सोनगढ़ ग्राम के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक योगी कांजी स्वामी उन्हीं में से एक हैं, जिनेन्द्र बर्णी जी ने उनके बारे में लिखा है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एक वीर आपके शांति सागर जी साहब, जो आचार्य हुए शांति सागर जी, उनकी भाषा में और आपको सुना देता हूं, मिल जाएगा, देखो मैं देखता हूं, बहुत अलग अलग लोगों ने भी अपने जो मंतव्य दिए वो क्या रहे होंगे, काफी सारे नोट्स हैं लेकिन अभी पूरे पढ़ के नहीं सुना रहा हूं आपको। हाँ, एक मिनट, आचार्य शांति सागर जी महाराज जो इस समय मुनि परंपरा चलाने में पहले थे, जिन्होंने मुनि परंपरा प्रारंभ की है, इनकी चर्चा अपने बीच में एक दिन की थी,
अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूं उनके वचन। अगर मेरे सामने प्रवचन के लिए समय सारजी रखा जाएगा तो मैं भी क्या और कोई भी क्या, वही तो मुझे कहना पड़ेगा जो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कह रहे हैं, वही तो मुझे कहना पड़ेगा। यदि मेरे सामने या किसी और के सामने समय सारजी विराजमान किए जाएंगे तो मैं क्या और कोई क्या, वही तो कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? पुण्य पाप को हे ही बताना होगा, है ना, यही समय सार की विशेषता है। अब रही बात व्यवहार की, व्यवहार धर्म की जीवन में उपयोगिता कैसी है, यह बात कांजी स्वामी को बताना होगी। उनके शब्द हैं, उनका निषेध करने से क्या होगा, अपने चाहने वालों को उन्होंने कहा उनका निषेध करने से क्या होगा। कांजी का निषेध करके, क्योंकि वे तो बड़े थे ना उस समय, उनकी उम्र ज्यादा थी, तो ऐसे सीधे बोला कि कांजी का निषेध करके क्या हमें कुंद कुंद का निषेध करना है। ये उनके शब्द हैं, है ना, ऐसे बहुत हैं। मैं समझता हूं ये दो चार से खास खास सुना दिए हैं, तो अब इनकी ज्यादा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। एक सुरेश सरल हैं, जबलपुर के सुरेश सरल, इन्होंने विद्यासागर जी के जीवन पर दो पुस्तकें लिखी हैं, एक या दो, ऐसा कोई एक पुस्तक तो लिखी इतनी मालूम है, एक है ना। हाँ, उन्होंने गुरुदेव श्री के बारे में क्या लिखा, बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने लिख दिया उनको। सुरेश सरल ने यह लिखा गुरुदेव श्री के बारे में, समुचित समाज की चर्या विवादग्रस्त है। दिगंबर जैन समाज आदि सबकी समाज की चर्या आचरण विवादग्रस्त है और गुरुदेव की चर्या आत्मग्रस्त है, है ना। और मैं समझा दूं फिर पढ़ के बताऊंगा आपको। इन्होंने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, सुनने जैसा दृष्टांत, कि जैसे 32 दांतों में गंदगी हो जाए तो हमें कुची करनी पड़ती है, टूथब्रश करना पड़ता है, तो इसमें उस टूथब्रश का उपकार है कि उसने 32 दांतों को ठीक किया, है ना। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है कि समाज जो विवादग्रस्त थी, जिसकी चर्या ढीली पड़ रही थी, उसको अध्यात्मग्रस्त आत्मग्रस्त कांजी स्वामी ने आकर के उस गंदगी को दूर कर दिया। देखो अब मैं पढ़ के सुनाता हूं, बहुत सुनने। सफाई सफाई ज्ञान का अमृत घोलने वाले, सफाई माने ज्ञान रूपी सफाई का अमृत घोलने वाले गुरुदेव, यदि गंदे दांतों से घिरी जीव द्वारा कड़वे माने जाएं, समाज के द्वारा कड़वे माने जाएं, वो होती है ना जो नीम की, वो कड़वी होती है, नीम की समझना पहले ध्यान, नीम की दतौन कड़वी होती है, तो जीप को कैसी लगेगी, कड़वी, तो कड़वी तो लगेगी, लेकिन दांतों को साफ करने के लिए जरूरी है। ऐसे ही भले ही समाज में गुरुदेव का विरोध क्यों ना हो, समाज रूपी जिब्बा को कड़वास क्यों ना लगे, लेकिन वर्तमान शिथिलाचरण रूपी गंदगी को दूर करने के लिए यदि जगत उन्हें कांजी स्वामी को कड़वा भी कहे, माने विरोध भी करें, तो भी उनकी आवश्यकता है। समझ में तो आ गया होगा ना, समझ में आया, अब पढ़ के सुनाता हूं, सुनो। गंदे दांतों से घिरी जीव द्वारा कड़वी मानी जाए तो माने जाते रहे, है ना, बे कड़वाहट, कड़वाहट माने सिद्धांत शिखा से जन जन का जीवन जो उज्जवल कर रहे हैं, इस पर जब जिसने ध्यान दिया उसकी कड़वाहट समाप्त हो गई। जिन्होंने सिद्धांतों पर ध्यान दिया, वस्तु स्वभाव पर ध्यान दिया, तो उनकी कड़वाहट दूर हो गई, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उन्हें कड़वाहट लगती रही। अभी नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं, जब पहली बार मुंह में डालो ने तो कड़वी लगती है, लेकिन 10-5 दिन डालते रहो तो फिर वो कड़वास नहीं लगती है। ऐसे इन्होंने कहा है, जो एक आध बार आते हैं उन्हें कड़वे लगते हैं, बुरे लगते हैं, लेकिन जब गुरुदेव के निरंतर पास रहते हैं तो उनको वो कड़वास लगना बंद हो जाती है, है ना। खबर रहे इन्होंने लिखा, खबर रहे सम्यक दृष्टि कदाचित अकेला ही हो, ऐसे बढ़िया शब्द लिखे, सम्यक दृष्टि कदाचित अकेला ही हो तो अकेला भी वह सुशोभित एवं प्रशंसनीय होगा। क्या कहा, सम्यक दृष्टि यदि अकेला भी हो तो अकेला ही सुशोभित और प्रशंसनीय होगा। वह ऐसा प्राण है, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे हैं, वह ऐसा प्राण है जो सुख में स्थापित है। अभी जरा भाषा बहुत साहित्यिक है थोड़ी सी,
ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, गुरुदेव श्री के बारे में क्या लिखा सुरेश सरल ने, वह ऐसा प्राण है जो सुख में स्थापित है और एक ऐसा प्राण जिसमें सुख स्थापित है। गुरुदेव श्री एक ऐसे आत्मा है जिनमें सम्यक दर्शन का सुख स्थापित है, और गुरुदेव श्री वे हैं जो सम्यक दर्शन में स्थापित हैं। गुरुदेव श्री वो आत्मा है जिनमें सुख है, और गुरुदेव श्री वे हैं जो सुख में हैं। समझ गए ना, समझ गए ना? कैसे कैसे बढ़िया शब्द लिखे। वह ऐसे प्राण हैं जो सुख में स्थापित हैं और एक ऐसे प्राण है जिसमें सुख स्थापित है। गुरुदेव का परिचय भी यही है, गुरुदेव का परिचय भी यही है, वे महान दृष्टा हैं। ऐसे बहुत बाबू युगल किशोर जी ने भी लिखा है, सभी लोगों ने लिखा है। आप चाहें तो किताबें पढ़ें तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं तो समय कम होने से ज्यादा बातें बता नहीं रहा हूं। साहू शांति प्रसाद जी वगैरह, बंसीधर जी ने भी, बंसीधर जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य ईसरी में बोला था, ईसरी में समय शिखर जी में, उनका कहना यह था कि गुरुदेव श्री ने, मैं पढ़ के सुनाता हूं, हमारे तीर्थंकरों, बंसीधर जी न्यायालंकार इंदौर, हमारे तीर्थंकरों और आचार्यों ने सच्चे दिगंबर जैन धर्म को अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला जो उपदेश दिया था, वही इन कांजी स्वामी की वाणी में हम सबको आज सुनने मिल रहा है। ये कोई घोषणा करना आसान बात नहीं है। इसका मतलब है ये, देखो मैं इसलिए विद्वानों को सामने ला रहा हूं, उस समय के उच्च कोटि के विद्वान, इन्होंने ये बात कही है तो अन्य दिगंबरों को भी ये विचार करने लायक है कि जब हमारे मूर्धन कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, बंसीधर जी, है ना, ये सब बड़े बड़े जो हैं, और भी नाम हो सकते हैं, जब ये सब गुरुदेव श्री की तारीफ कर रहे हैं, क्या कहा, हमारे तीर्थंकर और आचार्यों ने सच्चे दिगंबर जैन धर्म को अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला जो उपदेश दिया था, वही इन कांजी स्वामी की वाणी में हम सबको सुनने मिल रहा है। आचार्य कुनकुन देव, अमृत चंद देव के बाद समय सार के यथार्थ रहस्य को जानने और समझाने वाले आप ही हैं, है ना। इस तरह की ये सारी चर्चा बहुत सारी हो सकती है ऐसी, तो इसलिए अब मैं इस प्रकरण को ज्यादा नहीं लेता हूं, लेकिन अब 5 मिनट है, मैं सोच रहा हूं लूं तो लूं क्या, है ना। एक प्रसंग लेकर बात पूरी करता हूं। एक प्रसंग ऐसा है कि अक्सर एक आक्षेप और आता है हमारे ऊपर कि ये लोग क्रियाकांड नहीं करते हैं, है ना, ऐसा आक्षेप बहुत आता है, ये लोग आचरण नहीं पालते आदि आदि। हालांकि इसका जवाब तो बहुत आसान है कि जिसकी समझ सच्ची हो जाती है उसका जीवन बदले बिना देता नहीं है। एक्चुअली हम आचरण किससे नापते हैं ये फर्क है। जैन दर्शन में आप ये देख लो कि चौथे गुणस्थान भर्तियों की संख्या कितनी है, पंचम गुणस्थान भर्ती कितनी है, छठे की कितनी है, सातवें की कितनी है, आठवें की कितनी है, जरा देखो पहले। हमें क्या लगता है कि सारे के सारे अणुव्रति हो जाएं, सबके सब प्रतिमाधारी हो जाएं, सबके सब मुनि हो जाएं, तो आचरण पालते हैं। और यदि तुमने शादी कर ली समय सार जी पढ़ते हुए तो तुम भ्रष्ट नंबर एक, है ना। यदि व्यापार कर रहे तो नंबर एक के भ्रष्ट। मैं सोचता हूं ये बात गलत है। चौथे गुणस्थान में मात्र अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्याग होता है, देश सास गुरु के प्रति अर्पणता होती है। इसके सिवाय 96,000 रानियां हो सकती हैं, 6 खंड की विजय हो सकती है, रामचंद्र जी का युद्ध हो सकता है, लक्ष्मण वो भरत और बाहुबली का युद्ध हो सकता है। आज हम पर क्या आक्षेप होता है, यदि तुम मुमुक्षु हो, भगवान आत्मा, तो रोटी क्यों खाते हो? जब आत्मा रोटी नहीं खाती तो तुम खाते ही क्यों? अब ये कोई प्रश्न है क्या? और फिर तुमने शादी क्यों की, और फिर फला क्यों करा? अब पहले स्वाध्याय करो और फिर तुम झांक कर देखना कि यहां पर आचरण कितना है। क्योंकि जो अर्पणता है, जो समर्पण है, जो स्वाध्याय है, जो देव सास गुरु के प्रति भक्ति है, धीरे धीरे व्यवसाय में कमी है, 5 इंद्रियों के प्रति विरक्ति है, ये भी एक आचरण है। अब कोई कहे कि साहब 100% तो नहीं है ना, पूरे 100% विद्वान आपके ठीक नहीं, 100% श्रावक आपके ठीक नहीं, कोई रात को भी खाते होंगे, कोई होटल में भी खाते होंगे,
और कोई और काम भी करते होंगे, समझ लेना। तो भाई एक गुरुदेव श्री के अनुयायी 100% पूरे के पूरे 4 लाख लोग एक जैसा आचरण कर लेवे, ये 3 काल में संभव नहीं है। इसको हम समझाने के लिए फिर कहते हैं कि आप ग्रंथों का स्वाध्याय करो तो समझ में आ जाएगा कि 13वें गुणस्थान वर्ती केवलियों के औदयिक भाव नहीं मिलते। 13वें गुणस्थान वर्ती केवलियों के औदयिक भाव नहीं मिलते। कोई गमन करते हैं, कोई स्थिर रहते हैं, कोई की वाणी खिरती है, कोई की वाणी नहीं खिरती है। अब क्या कहना है, जब 13वें गुणस्थान में सबके औदयिक भाव एक से नहीं है तो 4थे गुणस्थान में सबके औदयिक भाव एक से कैसे हो सकते हैं? ये तो स्वाध्याय करने से बात समझ में आएगी। हम एक बात कहते हैं, एक लड़का रात को भोजन कर रहा है, यदि वो समय सारजी सुन रहा है तो हम उसे समय सारजी प्रेम से सुनाएंगे, क्योंकि हम पहले दिन ये नहीं कह सकते कि वो रात्रि भोजन छोड़ दे। यदि उसे भगवान बनने की कला समझ में आ गई और एक गरिमा समझ में आ गई कि मैं भगवान हूं, भगवान बनने के लिए जन्मा हूं, तो अब हमें कुछ कहना नहीं है, उसका अपने आप छूट जाने वाला है। हम क्या सोचते हैं कि पहले ही दिन आए तो उसका कान पकड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो फिर सुनना। भाई समझ ही सच्ची नहीं होगी तो त्याग कैसे होगा? बिना समझ के त्याग सच्चा कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे यहां की पद्धति, हम एक स्पष्ट कहें, गुरुदेव श्री की यह पद्धति रही कि उन्होंने सीधे सीधे किसी को कुछ नहीं कहा, ये भगवान बनने का उपाय समझाते चले गए और लोग बदलते चले गए, लोगों का जीवन बदलता चला गया। कितने लोगों ने व्यापार छोड़कर निवृत्ति ली, ये भी विश्व का रिकॉर्ड है। एक समय सारजी के पाठी गुरुदेव श्री के अनुयायियों के सिवाय ऐसे कोई व्यक्ति बताओ जिनके अनुयायियों ने व्यापार धंधा स्त्री पुत्र आदि छोड़ छोड़ के रह रहे हों। आज गुरुदेव के अनुयायियों की संख्या हजारों में है। ये देवलाली जंगल में बसा, ये सोनगढ़ जंगल में बसा, और हजारों लोग आज अपना व्यापार धंधा छोड़ करके, मुंबई छोड़कर, जगह जगह छोड़ छोड़ करके भी वहां जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं, व्यापार काहे के लिए छोड़ते हैं। कई लोगों के ऐसे विचार सुनने में आते हैं कि साहब हम पूरा बिजनेस बंद करके अपने आराम से सोनगढ़ रहेंगे, तो ये विचार कहां से आ रहे हैं? देखिए हमें ये आचरण नहीं लगता, हमें तो ये लगे कि आप तो पहले वो करके बताओ, प्रतिमा लेके बताओ। अब मैं एक बात फिर से कहता हूं, आचरण की परिभाषा समझ लें तो हमें सब समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ से कहें तो हमारी तरफ पूरी 100% आचरण नहीं है, लेकिन क्या और कोई भी ऐसा कह सकता है कि उनके 100% अनुयायी उनका आचरण बढ़िया है ना? तो ये भी तो जानकारी हो सकती है ना। 100% आचरण तो किसी के भी उपदेश से किसी को आज तक हुआ नहीं है। तो इस तरह से जो एक बात कही जाती है कि हमारे आचरण ठीक नहीं है, तो उसके जवाब थोड़ा सा संक्षेप में ये हो गया। ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो, सुवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो।